धन धन सतगुरु तेरा सियासरा कल्याण नगर सिरसा से प्रेमी वकील चंद परम पिताजी की अपार रहमत का वर्णन करता है। सन 1965 की बात है। उस समय वकील चंद की उम्र 8 वर्ष की थी। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गांव से दूर चला गया। अचानक ही एक पागल कुत्ता उससे लिपट गया। यह देखकर उसके साथी गांव को भाग गए। कुत्ते ने उसके शरीर पर काफी घाव कर दिए और पेट में दांत मार मार कर आंतड़ियों का गुच्छा सा बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता उसे घसीट कर ले जा रहा था तो उसी वक्त परम पिताजी ने प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर उस कुत्ते से छुड़वाया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा फिक्र मत कर, अब हम आगे हैं, तेरे को हम कुछ नहीं होने देंगे। उस वक्त वकील चंद ने नाम भी नहीं लिया हुआ था। वह सोच रहा था कि इतने लंबे कद वाले सफ़ेद वस्त्र पहने और हाथ में लाठी लिए ये कौन है और कहां से आए हैं। दूर गांव में खड़े लोगों को आवाज़ देकर शहनशाह जी ने फरमाया, भाई इसे ले जाओ और जल्दी ही अस्पताल में पहुँचा दो। परम पिता जी ने फिर वकील चंद को भी हौसला देते हुए कहा, बेटा फिक्र मत कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वकील चंद के पास जब उसके माँ बाप पहुँच गए तो परम पिता जी पल में ही अलोप हो गए। अस्पताल में एक दिन परम पिता जी ने अपने कर कमलों द्वारा उसे दूध का गिलास देते हुए फरमाया, बेटा यह दूध पी ले, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा किसी को बताना नहीं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। उसने तुरंत वह दूध पी लिया और उसी वक्त परम पिता जी वहाँ से चले गए। सन 1974 में जब वह दरबार में आया तब खुद खुदा कुल मालिक सभ्या उसी सब रूप में सामने स्टेज पर विराजमान थे। परम पिता जी के दर्शन करके वकील चंद ने तुरंत अपने सतगुरु बाबा जी को पहचान लिया कि 9 वर्ष पहले उन्हें पूज्य परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने पागल कुत्ते से छुड़वाया था, वरना उसे वह कुत्ते फाड़ कर रख देते। और इसी बाबा जी ने मुझे अस्पताल में दूध का गिलास पिलाकर हौसला भी दिया था कि बेटा घबराना नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। वकील चंद ने परम पिता जी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा कि जे पूज्य परम पिता जी तो सारी सृष्टि के ही पालनहार व रक्षक हैं, ना कि केवल अपने प्रेमियों की संभाल करते हैं। वकील चंद ने उसी सत्संग पर परम पिता जी से नाम शब्द प्राप्त कर लिया। कुल मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं, वह अपने हर जीव की हर मुसीबत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा सियासरा, धन धन सतगुरु तेरा सियासरा।